आगर रोड की दुर्दशा के साथ ही आसमान छूती महंगाई, बढ़ते बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में एवं किसानों के सम्मान में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली। भाजपा की बहरी सरकार के कानों में जनता की समस्याओं की गूंज सुनाने के उद्देश्य से खटिया विधानसभा क्षेत्र की जर्जर हो चुकी सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए विधायक रामलाल मालवी ने खटिया से उज्जैन तक विशाल पदयात्रा प्रारंभ की। 17 अगस्त को यात्रा खटिया से टोल टैक्स तक पहुंची। विधायक रामलाल मालवी ने कहा कि उज्जैन से आगर जाने वाले मुख्य मार्ग मौत का मार्ग बन गया है। समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। आगर रोड की दुर्दशा के साथ ही आसमान छूती महंगाई, बढ़ते हुए बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में एवं किसानों के सम्मान में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश गनावा, प्रदेश कांग्रेस सचिव केसर सिंह बोरखेड़ा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष दरबार सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह उज्जैनिया, वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम, मंडलम अध्यक्ष सोदान सिंह, पूर्व जनपद सदस्य रमेश भारती, कदवाली के सरपंच सत्यम लाला, जनपद सदस्य इकरार पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष उन्हेल केसर सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू कुरैशी, जिला पंचायत सदस्य भरत मालवी, सरपंच भंवरपाल सिंह इशाकपुर, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नरेंद्र मालवीय, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी, सरपंच कालू बाबा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बंसीलाल राठौर, सरपंच फिरोज पटेल, हरलाल मालवीय, जितेंद्र बैरागी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। युवा कांग्रेस नेता दीपक मालवीय ने बताया कि दो दिवसीय पदयात्रा आज 18 अगस्त को प्रातः 9 बजे टोल टैक्स से प्रारंभ होगी, जो कोठी पर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देकर आगर रोड की सड़क के पुनर्निर्माण, फसल बीमा, भावांतर राशि का भुगतान सहित अन्य समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। जितना भी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा उसमें से किसी को एक पूरा नहीं हुआ। आप हम सब इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पे 12 साल में एक बार सिंहस्थ आता है। ये सिंहस्थ जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनकी बेस है, हैं? ये जो रोड है ये हमको सीधा राजस्थान से कनेक्ट करता है, दिल्ली से कनेक्ट करता है। जिस रोड की सब में ज़्यादा आवश्यकता है कि उसका सुधार होना चाहिए, उसका संधारण होना चाहिए, यहाँ पे 4 लेन बनना चाहिए, लेकिन आज तक इस संबंध में इस सरकार ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। सारे प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है वो सब आप लोग देख रहे हो, और जिस प्रकार से बेतहाशा ये जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके जो भाव बढ़ रहे हैं, गरीबों का जीवन जीना दुभर हो रहा है, बेचारे लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, दोनों समय खाना नहीं खिला पा रहे हैं, बेरोजगारी की यह हाल है कि जिस रोड पे आप निकल जाए वहाँ पे आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। इस उद्देश्य इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उज्जैन आगर रोड जो आप रोज देखते हैं, जिसकी दुर्दशा आपने देखी होगी, उसके साथ किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा पिछले 2 वर्षों का 18, 19, 20 और 21 किसानों को उसका बीमा का राशि नहीं मिल पाई है, राहत राशि जो देने की सरकार ने घोषणा की थी वो नहीं दे पाए हैं, बिजली के बिल जिस व्यक्ति के 200 रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं उनके 5,000 रुपये 6,000 रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, रोज़ महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल और खाद्य तेल की बेहतासा जो वृद्धि हो रही है, इन सब बातों को लेकर जब जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर हम लोगों को अंततः ये निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पार्टी के उनके अनुयायी हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांतों के आधार पर चलती है। हम लोगों ने पैदल मार्च कर घटिया से उज्जैन पहुँचने का 17 तारीख आज हम लोगों ने घटिया से प्रारंभ की। इस यात्रा को कल जाकर हम लोग कोठी पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और जो समस्याएं किसानों की उन समस्याओं को लेकर हम उनको अवगत कराएंगे कि सरकार तत्कालीन समस्याओं का निदान करे, अन्यथा आने वाले अभी तो हम लोगों ने पैदल मार्च किया, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर इसको उठाएगी, इस मुद्दे को, और धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।